हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मॉम एंड बेबी लिटल। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रिप टूवर्ड्स शिमला या परवानू तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। इन दिस वीडियो आई विल शो यू अ स्नो पार्क जहाँ पे हमारे बच्चे ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। ये पड़ता है जबली की तरफ। इट इज 19.8 किलोमीटर फ्रॉम परवानू। जैसे आप परवानू को क्रॉस करोगे तो और 19.8 किलोमीटर के अंदर अंदर ये फैंटेसिया स्नो पार्क आ जाएगा। इट इज अ कम्प्लीट जंक्शन, वन स्टॉप जंक्शन, जहाँ पे आप रुक के अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे स्नो पार्क है, खाने के लिए जंक्शन है, हल्दीराम है और एक रेस्टोरेंट भी है। अपार्ट फ्रॉम दी स्नो पार्क आप यहाँ पे बॉलिंग जोन भी इंजॉय कर सकते हो, जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी गेम्स हैं। सो दिस वन इज दी बॉलिंग जोन। यहाँ पे आप बॉल्स इंजॉय कर सकते हो, बॉलिंग कर सकते हो और यहाँ पे शूटिंग कार्स की भी है। और सामने स्नो पार्क का एरिया है, साइड पे यहाँ पे रेस्टोरेंट है। और अगर आप बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे हल्दीराम भी है, जहाँ पे आप बैठ के इजिली खाना खा सकते हो अपने फैमिली के साथ। सो वी वेंट टू स्नो पार्क विद अ किड। तो मैं आज आपको इस वीडियो में उसका रिव्यू दूंगी। तो यहाँ से हम एंटर किए स्नो पार्क में। तो अंदर जाते ही वहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे आपको शूज़, जैकेट और ग्लव्स मिलेंगे स्नो पार्क में एंटर करने के लिए। तो वो डिफरेंट साइजेस के अवेलेबल हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए ये जैकेट्स अवेलेबल हैं। आप इजीली अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली ये जैकेट सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। पूरा कॉस्ट्यूम ऊपर डाल के ही हमें स्नो पार्क में एंट्री मिलती है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमें ये शूज़, जैकेट्स और ग्लव्स डालने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो वंस वी एंटर्ड इन टू द स्नो पार्क, तो अंदर जाके आपको सारी चीज़ें स्नो की मिलती हैं। स्नो की कार बनी हुई है, स्नो स्लाइड्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट स्टैचूज हैं जो कि स्नो के बने हुए हैं। तो आप डिफरेंट स्लाइड्स एंजॉय कर सकते हैं। स्लाइड जो है वो चाइल्ड स्लाइड भी है, अडल्ट स्लाइड भी है। हमने दोनों स्लाइड ट्राई की अपने बेबी के साथ। यहाँ पे हमने सारे सेक्शन इंजॉय किए, सारे सेक्शंस में हमने फोटो जो है वो क्लिक की और हमने सारी स्लाइड्स ली। बट ओवरऑल जैसे हमारा बेबी जो है वो छोटा है, 3 इयर्स का है, तो हम मैक्सिमम 15-20 मिनट्स ही अंदर स्पेंड कर पाए। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी देर जो है वो अंदर कोल्ड टेम्परेचर में रह सकते हैं, आप उतनी देर यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। इट इज़ अ वन टाइम एंट्री। आप एक बार अंदर चले गए और बाहर वापस आ गए तो आपको दोबारा अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। तो वन टाइम जितना भी टाइम आप अंदर स्पेंड कर पाए, दैट इज योर ओवरऑल टाइम यू विल स्पेंड इन द स्नो पार्क। So overall it was quite fun. We enjoyed all the slides and it was a great experience with the kid.